हेलो बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप भी एडवेंचर सीरीज़ की किसी बाइक को लेना चाहते हैं तो शायद एक आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन आ रहा है। मतलब आप भी जानते हो मैं किस बाइक के बारे में बात कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, KTM एडवेंचर 250। इस बाइक का काफ़ी टाइम से इंतजार है। जब KTM ने अपनी एडवेंचर 390 लॉन्च करी थी तो बहुत से लोगों को लगा था कि शायद 250 और 390 दोनों एक साथ ही लॉन्च कर दे, बट ड्यू टू सम रीजंस भाई क्यों नहीं करा, क्या नहीं किया पता नहीं मुझे। बट एंट्री लेवल अगर आप एक एडवेंचर बाइक देख रहे हो या एक टूरर बाइक ढूंढ रहे हो, रॉयल इनफील्ड एक्सपल्स 200 को छोड़ करके, तो शायद एडवेंचर 250 आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन ऑप्शन बन सकती है। बाइक की टेस्टिंग तो बहुत ही टाइम पहले से करी जा रही है। 390 तो उन लोगों ने अपनी लॉन्च कर दिया एडवेंचर 390, बट 250 को रहने दिया। क्यों रहने दिया? मे बी शायद उनका ये प्लान था कि वो दिवाली में लॉन्च करें। जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, देखो अभी तो ये ऑफिशियली पूरी तरीके से रिवील नहीं हुई है, बट बहुत सारे ऐसे जहाँ डीलरशिप है जहाँ पर इस बाइक को देखा जा चुका है, तो इसका मतलब खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि आप लोगों को बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है। एक वीडियो की क्लिप भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ जिससे कि आप लोगों को पता चल जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें चेंज होने वाली हैं 390 से 250 के अंदर। ऑब्वियस सी बात है कि 390 और 250 में भाई कॉस्ट कटिंग बहुत ज़्यादा होने वाली है, तो कहीं ना कहीं कुछ फीचर्स भी ऐसे हैं जो आपको मिसिंग देखने को मिलने वाले हैं। लुक्स भी आप लोगों को कैसा मिलेगा उसके बारे में भी बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लुक्स की बात कर लेते हैं। लुक्स में ये बाइक आप लोगों को ओवरऑल ऐसे देखने में लगने वाली है जैसे कि 390 आती है, बट यहाँ आपको जो सबसे मेन जो सबसे बड़ा चेंज देखने को मिलेगा वो इसकी हेडलाइट्स में देखने को मिलेगा। आप लोगों को 390 में, एडवेंचर 390 में पूरा LED सेटअप देखने को मिल जाता है फ्रंट में, बट यहाँ पर आप लोगों को हेलोजन लाइट्स विद LED DRLs देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग करी गई है और मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसको थोड़ा अगर 390 जैसा ही दे देते ना तो ज़्यादा बेटर रहता, जैसा इन्होंने ड्यूक 250 में किया है। बट खैर कोई नहीं भाई, कंपनी का हिसाब किताब है, क्यों करती है वो तो खैर वही जाने। नेक्स्ट चीज़ के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर आप लोगों के लिए एक अच्छी चीज़ ये है कि इसमें आपको TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ही देखने को मिलेगा LCD की जगह, और वो मुझे बहुत ज़्यादा ओल्ड लगता है, मेरे को आउटडेटेड लगता है। भाई आपको बुरा लगे या भला लगे, बट अगर आप लोग अभी आने वाली ड्यूक 250 है या फिर आपकी जो ड्यूक 200 है उसमें काफ़ी ओल्ड लगने लगा यार, अब तो सच में पुराना हो गया, उन्हें वो चीज़ें चेंज कर देनी चाहिए। साथ ही साथ में आप लोगों को और कौन कौन से फीचर्स नहीं मिलने वाले जो कि प्राइस कॉस्ट कटिंग करने वाले हैं, जैसे कि आप लोगों को 390 एडवेंचर में ऑफ रोड ABS मिलता है, ट्रैक्शन कंट्रोल, राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी, मल्टी राइडिंग मोड्स, ये सारी चीज़ें आप लोगों को नहीं मिलने वाली। बाइक के अंदर आपको 249cc का यानी ड्यूक 250 वाला इंजन, लिक्विड कूल सिंगल सिलेंडर FI इंजन मिलेगा, 30 BHP पावर, 24 Nm टॉर्क। बट यहाँ पर आप लोगों को ये इंजन थोड़ा सा ऐसा ट्यून किया जाएगा जिससे कि आप लोग ऑफ रोडिंग अच्छे से कर पाओ या फिर आप लोग टूर अगर करना चाहो तो उसके हिसाब से आप लोगों के लिए बनाने वाली है। 6-speed गियरबॉक्स आप लोगों को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप लोगों को एक्सपल्स में नहीं मिलती ये चीज़ें देखने को। देखो प्राइस का तो खैर डिफरेंस आप लोगों को बहुत मिलेगा, बट भाई जब आप एक सीरीज़ की बाइक लेना चाहते हो जैसे लाइक एडवेंचर, तो आप लोग ऑलमोस्ट हर बाइक को देखोगे, चाहे फिर वो हिमालयन हो, एक्सपल्स हो, चाहे एडवेंचर 250, सबको कंपेयर करके उसके बाद ही आप लोगों का जो बजट बनेगा तभी आप वो बाइक लोगे। साथ ही साथ में आप लोगों को एक चीज़ बहुत अच्छी देखने को मिलेगी कि जो इसमें बाइक में ऑलमोस्ट जैसे KTM के हर बाइक में आपको USD फोक देखने को मिलता है 43mm का, वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, मोनोशॉक एब्जॉर्बर। पावर में, परफॉर्मेंस में तो देखो भाई कहीं भी कमी नहीं होने वाली KTM की तरफ से जहां तक मैं जानता हूं, क्योंकि वो गाड़ी पावर परफॉर्मेंस मतलब एक जो बंदे को चाहिए होता है ना कि कुछ बाइक से हट करके चाहिए, वो चीज़ आप लोगों को KTM अवेलेबल कराती है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि इस बाइक का लॉन्च डेट कब है, वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। तो देखो मैंने आप लोगों को बताया, मेरा जहाँ तक अंदाज़ा कहता है तो ये दिवाली तक में बाइक आ जाएगी आप लोगों को 100%। अगर नहीं आती दिवाली में भी तो शायद आप लोगों को इस साल के एंड तक ये गाड़ी देखने को मिले, बट मुझे नहीं लगता कि वो साल के एंड में लॉन्च करेंगे, उनका प्लान ही दिवाली तक का होगा, इसीलिए उन्होंने गाड़ी को काफ़ी मतलब भाई क्यों दिखा रहे हैं, मतलब ऐसे किसी भी डीलरशिप पे ऐसी थोड़ी किसी गाड़ी को खड़ा करके उनका मतलब कुछ क्या कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, बट वो लोग कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर प्राइस रेंज की बात की जाए तो प्राइस रेंज आप लोगों को 2.35 लाख रुपीज़ के आसपास में पड़ने वाली है, जो कि शायद आपको 65-70 हज़ार रुपये मतलब सस्ती मिलेगी जो आपकी एडवेंचर 390 आती है। तो काफ़ी अच्छा खासा आप लोगों को देखने को मिल सकता है। अगर आप इस सेगमेंट में कोई गाड़ी देख रहे हो, हिमालयन देख रहे हो, एक्सपल्स देख रहे हो, तो मे बी मेरी तरफ से तो KTM की ये बाइक भी आप लोगों के लिए बेटर हो सकती है। तो क्या कहना है आप लोगों का या फिर क्या मानना है आप लोगों का मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को किस टॉपिक पे चाहिए वो भी बता दो, मैं आप लोगों के लिए जल्दी कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों के लिए वीडियोज़ लेकर के आऊँ।